तन्वी और मम्मा ने आज ट्यूनिंग कर रखी, कुर्ता संग जीन्स। अभी आएगी बच्चे वाली, फिर उसका पता चलेगा आपको। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज है संडे, संडे इज हॉलीडे, हॉलीडेज बहुत सारा हो, घर का काम, हाँ ऐसा ही होता है। संडे संडे हो या मंडे, हमारे लिए तो रोज ही वेनसडे, रोज ही मंडे, ठीक है। सो गाइस, आज सुबह सुबह मेरी बच्ची ने मेरी इतनी हेल्प की है कि कोई इतनी हेल्प नहीं करता मेरी। तो गाइस, यहाँ पूरा बिस्तर देखिए जरा, आप चाहे इसने जैसे भी देखे हैं, थोड़ा लटका दिया, वो कर दिया, जैसे भी लगाया है, और कंबल टेढ़े मेढ़े जैसे भी फोल्ड किए पर करे हैं, ठीक है। और यहाँ देखो इस वाले कमरे में, यहाँ भी पूरा साफ कर दिया, वहाँ भी पूरा साफ कर दिया, कपड़े इस कुर्सी के ऊपर डाल दिए हैं, अपने खिलौने उसके उस कर्टन के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। ये होती है लड़कियाँ, ठीक है, हेल्पफुल। इसके पापा से बोलती हूँ, उठते भी नहीं अभी संडे के दिन बिस्तर से ऊपर। और मैंने वो हम कपड़े धोने में लगी, उसने पूरा घर साफ कर दिया। खराब फिलहाल अभी उसको मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, पर जो भी किया उसने अपनी जितनी वो कर सकती थी उससे ज़्यादा करा है। क्योंकि मैंने कुछ पूछी, मेरे पुत्रो, मेरे पुत्रो, बस आपको कम्बल ही तो करना है। हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, मैं करती हूँ, ठीक है। ठीक है चलो, ब्रश करो, नाई नाई करेंगे, है ना, आज संडे है ना। तो गाइस, दिन सुबह के 10:30 बज चुके हैं एंड हम लोग हो रखे हैं रेडी, देख सकते हैं मैं रेडी हो रखी हूँ, एंड यहाँ मेरी डॉटर भी रेडी हो रखी है। तन्वी एक बार खड़े होकर दिखाओ, तन्वी और मम्मा ने आज ट्यूनिंग कर रखी, कुर्ता संग जीन्स, ऊपर खड़े होकर दिखाओ एक बार। हाँ दिलाऊंगी तो बोल दिया, खड़े हो उसके ऊपर वहां पे। तो देखिएगा, तन्वी का कुर्ता और तन्वी की जीन्स, और साथ में मम्मी ने भी पहन रखा है तन्वी की तरह जीन्स और कुर्ता डाल रखा है बहुत दिनों बाद। चश्मा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा मार्केट, और बाहर धूप हो रखी है, मैंने गेहूं डाल रखे बाहर, बारिश तो नहीं आएगी, लग तो नहीं रहा है कि आएगी करके, जहां तक मुझे लगता है नहीं आएगी, ठीक है। तो 11 बजने में देख सकते हैं, 5 मिनट है, निकलते हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया, मैंने तो नहीं करा क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, तो हम अभी जाएंगे विशाल मेगा मार्ट क्योंकि वहां से हमें सामान लेना है। आजकल ऑफर आ रखे हैं, रक्षाबंधन के ऑफर चल रहे हैं, हाँ क्योंकि राखी आ रहा है ना, इसलिए लेडीज के लिए छूट दे रखी है। चलो आओ उधर को देखते हैं, ऐसा तो कुछ नया आता नहीं है यहाँ, सूट वही सब पुराने पुराने हैं। तो तन्वी तो यहाँ आई नहीं, और इसको बस यहाँ ये देखिए, ये क्ले हो गया या फिर ये स्लाइम हो गया, बस यही चाहिए। क्या देख रही हूँ उधर, बॉक्स तो आपके पास ऑलरेडी है ना, देखो जरा कैसे ढूंढ रही है। ग्लोब आगे आ रहे, वाह। हाँ तो गाइस, मैं तन्वी के लिए ग्लोब मंगा रही थी ऑनलाइन, और यहाँ पे भी आ गए, देखो अभी देखते हैं इसमें कितना बड़ा वाला साइज कौन सा, ये है ना, देखते हैं कितने का है ऑनलाइन, कितने का मिल रहा है और यहाँ कितने का है। यहाँ मिल रहा है 529 का ऑनलाइन, सस्ता है शायद, और ये है 329 छोटा वाला। यार यहाँ कैसी सैंडल्स आती हैं, ये सालों से जब से हमने विशाल देखा है तब से ऐसी ही वैसी सैंडल्स हैं, कोई नया चीज़ नहीं आ रखा है, सब पुराना। वही सूट तो गाइस, अभी थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेती हूँ, यहाँ तो कुछ नया है नहीं दिखने के, कुछ सब पुराना ही लग रहा है, कुछ भी नया नहीं दिख रहा। और यहाँ पर तन्वी की अलग ही मांग हो रही है, खींच खींच के ले जा रही है मुझे, ये दिलाओ वो दिलाओ करके। अभी आएगी बच्चे वाली, फिर उसका पता चलेगा आपको। हे भगवान, मैं नहीं आ रही, चलो। तो गाइस ना, अभी ना किसी का रिटायरमेंट है, तो आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि किसका रिटायरमेंट पार्टी है, तो मेरे को ना गिफ्ट लेना है। अब यार समझ में नहीं आता रिटायरमेंट में क्या देगा कि, अब आदमियों का रिटायरमेंट होता है उनको बर्तन देते हैं, चद्दर देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। तो मैं इस सेक्शन में ना अभी यहाँ क्रॉकरी और बर्तन वाले सेक्शन में 1 घंटे से घूम रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं लूँ तो क्या लूँ। समझ रही हूँ पहले गिफ्ट ले लूँ या कोई बेडशीट या फिर कुछ बर्तन। तो गाइस, दिन के बच चुके हैं 1 और हम लोग आ गए हैं मार्केट से, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मम्मी देखो मेरी कौन कर रहा है।
और बाहर भयंकर इतनी भाई धूप हो रखी है, भयंकर वाली धूप हो गई है, थक लग गए। मैंने तो खाना भी नहीं खाया था और मुझे भूख भी गजब वाली लग गई। अब घर जाते ही बनाती हूँ, ठीक है। रोटी बनानी है वैसे तो कुछ बनानी है, पर जाते ही बनाऊंगी। तो गाइस शाम के 4 बजे है और हम लोग ना वहाँ से आए, फिर नीतू के यहाँ गए। नीतू ने खाना ना बनाया था तो उन्होंने बोला यहीं खा लो, तो हमने वहीं खाया और घर खाना वाना खा के वहीं लेटे रहे, फिर से अब घर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 5 है, एक मम्मी को नहीं दोगे? एक है इसमें, एक है एक में है, इसमें एक है। एक में 5 नहीं होंगे, एक में एक ही होता है ना, इसमें 2 है, इन दोनों में 2 है, दो दो होते हैं। अच्छा एक में एक ही आ गया है, तब एक में 3 है, दो दो सब में होते हैं। तो क्या कहते हैं, तब वहां से आए और फिर उसके बाद अब जाके कपड़े, मैं तो कपड़े चेंज नहीं कर रहा, मुझे आईब्रो बनाने जाना है। गाइस देख सकते हैं यहाँ मूछे तक आ गई है, ये देखो जरा। मतलब मैंने बनाई थी जून में, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो गए, 3 महीने आईब्रो और लिप्स नहीं बना रखी है। 3 मैं कभी ओकेशनली बनाती हूँ, मैं वैसे बनाती नहीं। मैंने बनाई थी जब मैं बद्री केदारनाथ गए थे तब, और अब लगा लो 3 महीने से मैंने कुछ कभी नहीं बनाई, और अब जाके राखी भी बना रही हूँ, फिर उसके बाद जाके करवा चौथ में बनाऊंगी, बस ऐसा रहेगा मेरा, ठीक है। तो अभी मैं तो वहां जाऊंगी, तन्वी कराएगी पढ़ाई, ठीक है। तन्वी हैंड लगेगा, देखो कपड़े में लग जाएगा, व्हाइट कपड़ा गंदा हो जाएगा पूरा चॉकलेट से। जाओ कपड़े चेंज करो, जल्दी पढ़ाई करो, चलो चलो बैठते कपड़े पढ़ाई करते हैं, आओ। सो फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ आईब्रो बनाने के लिए, देखिए कितने जंगल जैसे हो रखे। तो पार्लर यही पे है पड़ोस में, वहीं जाऊंगी, ज्यादा दूर नहीं जा रही। एक बाल बेटा साढ़ तेरा इतना छोटा सा, तूने इतनी चुटिया क्या बना रखी है? 1 2 3 4 5 6 7 चुटिया। अरे मैंने नहीं, मेरी दीदी ने बनाई है बड़ी वाली। इतनी सारी चुटिया कोई बनाता है? कौन बनाता है? बुल्ली। तो यहाँ देखो जरा शाम को ये लोग खेल रहे हैं। तो गाइस मैं गई थी आईब्रो बनाने के लिए, बट आईब्रो में इतनी भीड़ हो रखी थी, वहाँ फेशियल वेशियल वाले आ रखे थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया। मतलब मना किया, अगर उसने बोला कल आ जाना या थोड़ी देर बैठ जाओ 1 घंटा, मैंने कहा 1 घंटा तो मैं नहीं बैठूंगी, इसलिए मैं वापस आ गई। सो गाइस रात के 10 बजने वाले हैं एंड अभी मैंने जस्ट काम उठा, खाना ना खाया, तो मेरे को पढ़ाया, फिर खाना बनाया, खाना खाया, अभी बर्तन धोए, और अभी मैं खतरों के खिलाड़ी देख रही हूँ। और तन्वी सो गई है, थक गई थी दिन में मार्केट, फिर वहाँ से आई, फिर पढ़ाई, इसलिए सो चुकी है। सो फिलहाल चलिए गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।